वेलकम बैक वंस अगेन नौकरीखबर.com ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आ चुकी नई सीधी भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए क्षेत्र रक्षक की पोस्ट पर भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी केवल और केवल कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं पास हैं और अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह की प्राइवेट या सरकारी नौकरी नहीं है और आप सभी का सपना रहा साल 2021 के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि वन विभाग को ज्वाइन करके एक अच्छी सी पोस्ट पर सरकारी नौकरी पाने का, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। आगे इस वीडियो में हम लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और आप सभी को घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे करना होगा अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के, इसके बारे में भी आपको जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। तो बस आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो तुरंत ही लाइक और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और पूरी जानकारी देखने के लिए, पूरी जानकारी समझने के लिए इस वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहें, ताकि बिना किसी डाउट के आप लोग आवेदन कर सकें और आपका फॉर्म रिजेक्ट या कैंसिल ना किया जाए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी को इस वैकेंसी की कुछ खास बातों के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। तो पहली और सबसे बड़ी खास बात यह कि अगर आप लोग केवल और केवल कक्षा 10वीं या 12वीं पास हैं तो आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं आवेदन करने के लिए। दूसरी नंबर यह कि आपको क्षेत्र रक्षक की वैकेंसी मिलने वाली है। इट मीन्स कि यहाँ पे फिजिकल जो होगा आपका मस्ट होगा, काफ़ी ज़रूरी होगा। अगर आप लोग फिजिकली फिट हैं तो आप लोग ईजिली इस वैकेंसी के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। थर्ड नंबर ये कि मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एंड फोर्थ नंबर, ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे। फिफ्थ नंबर ये कि जो आपकी एज है वो कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 वर्ष की होनी चाहिए, और इसके अलावा आपको अपर एज लिमिट यानी कि यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा जो कि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से होगा। आपको आवेदन ऑनलाइन ही करने होंगे। कैसे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। आप लोगों को यहाँ पे क्षेत्र रक्षक की वैकेंसी मिलेंगी और यहाँ पे हेडिंग में बताया गया सीधी भर्ती हेतु नियम शर्तें एवं चयन प्रक्रिया 2021, परीक्षा कार्यक्रम, शैक्षणिक अर्हता, शारीरिक मापदंड, आयु सीमा और पाठ्यक्रम सिलेबस के बारे में जानकारी आपको आगे मिलने वाली है। स्क्रॉल करके आप लोग जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्षेत्र रक्षक के पद पर सीधी भर्ती नियम एवं चयन प्रक्रिया। सबसे पहले यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी दी गई है। आवेदन आपके 10/11/2021 से शुरू हो चुके हैं। इट मीन्स कि 10 नवंबर 2021 से आपके आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की जो आखिरी डेट है वो 2/12/2021 यानी कि 2 दिसंबर 2021 की होने वाली है। इसके बाद अगर आपसे फॉर्म भरते टाइम कुछ गलती हो जाती है तो 3 से लेकर 5 दिसंबर तक का समय दिया गया है सुधार के लिए। और इसके बाद जो आपके प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड है वो 10/12/2021 यानी कि 10 दिसंबर को आ जाएंगे, और जो यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट है वो 19 दिसंबर 2021 के दिन संभावित बताई गई है। इसमें कुछ बदलाव यानी कि चेंजेस भी किए जा सकते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से हायर सेकेंडरी 10+2 यानी कि 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि अगर आप लोग 10वीं 12वीं पास हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्षेत्र रक्षक के पद के लिए आपका जो मापदंड है वो ज़रूरी है, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो नंबर हैं इसी के दिए जाएंगे। सबसे पहले ऊंचाई देखिए, अनारक्षित में, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर, महिला के लिए 150 सेंटीमीटर। ऊंचाई की बात करें, अनुसूचित जनजाति में 152 सेंटीमीटर, महिला के लिए 145 सेंटीमीटर। सीना की बात करें, पुरुष के लिए 79 सेंटीमीटर और महिला के लिए 74 सेंटीमीटर।
और यहाँ पे जो सीना का फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर महिला और पुरुष में दोनों के लिए होना चाहिए। इसके बाद थोड़ा अगर आप लोग नीचे आएंगे तो देखेंगे कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंदर 200 मीटर की दौड़ होगी जिसके लिए 25 नंबर दिए जाएंगे, 800 मीटर की दौड़ होगी जिसके लिए 25 नंबर दिए जाएंगे, इसके बाद लंबी कूद होगी जिसके लिए भी 25 नंबर और गोला फेंक के लिए भी यहाँ पे 25 नंबर ही दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो प्रतिस्पर्धा होगी पुरुष के लिए अलग और महिला के लिए अलग होगी। 200 मीटर की जो दौड़ होगी समय नाप के साथ अंक देखे, अगर आप लोग 24 जो है तो मिनट 24.50 सेकंड या कम में तय करते हैं तो 25 नंबर, 25.50 सेकंड में 20 नंबर, 27.00 सेकंड के अंदर 15 और इसी तरह से आप लोग यहां पे पूरा का पूरा अंक और दौड़ में कितने नंबर आपको दिए जाएंगे आप लोग यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद गोला फेंक का वजन आप लोग देखें, पुरुष के लिए यहाँ पे 7.62 किलो का रहेगा और महिलाओं के लिए 4 किलो का रहेगा। इसके अकॉर्डिंग कितनी दूरी तक आप लोग फेंकेंगे और यहाँ पे महिलाओं के लिए कितना नंबर दिया जाएगा पुरुष के लिए पूरी की पूरी यहाँ पे लिस्ट आ चुकी है। इसके बाद आपको पैदल चालन परीक्षा जो आपकी होगी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पुरुष उम्मीदवारों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिला उम्मीदवारों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पूर्ण करनी होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस आप लोग करिए अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं। हालांकि 4 घंटे का समय कम नहीं होता लेकिन 25 किलोमीटर की दूरी भी कुछ कम नहीं होती। यहाँ पे देखिए बोनस अंक भी आपको दिए जाएंगे, बोनस अंक के लिए आपको इसको रीड करना होगा। इसके बाद अगर आप लोग नीचे आएंगे चयन सूची देखिए कैसे बनेगी। व्यापम की ओर से जो लिखित परीक्षा होगी उसके लिए आपको 150 नंबर दिए जाएंगे, आपकी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी उसके लिए आपको 100 नंबर दिए जाएंगे और बोनस अंक के लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे चयन प्रक्रिया आप लोग देख सकते हैं, पहले ही लाइन के अंदर क्लियर किया गया है, उम्मीदवार का चयन व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम, शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता परीक्षा पैदल चालन के माध्यम से किया जाएगा। इसके बाद यहां से और नीचे आइए, टोटल 7 पेजों का पीडीएफ मिलेगा। यहां पे आपकी जो उम्र है वो 1/1/2021 से कम 18 और अधिक से अधिक 40 वर्ष की होनी चाहिए। इसके बाद अगर और नीचे आएंगे तो और भी कई सारी यहां पे जानकारी आपके लिए प्रोवाइड कराई गई है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग इस वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वन विभाग की तरफ से आ चुकी नई सीधी भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। आवेदन करने की आखिरी डेट 2 दिसंबर 2021 की है। अगर आप लोग केवल 10वीं या 12वीं पास हैं तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर यहीं पे हम बात करें कि आपको पोस्ट कौन सी मिलेंगी तो क्षेत्र रक्षक की पोस्ट पर आपको आवेदन करने होंगे। यहाँ पे आपकी जो एज है कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 वर्ष की होनी चाहिए। ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे। आपको फॉर्म कैसे भरना होगा इसके बारे में आगे बताएंगे और आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, इसीलिए आप लोग देर मत कीजिए और जल्दी से जल्दी आवेदन कर दीजिए। चलिए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक और ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट है 2021 के लिए, अप्लाई ऑनलाइन फॉर क्षेत्र रक्षक वेरियस पोस्ट वैकेंसी के लिए आपको आवेदन करने होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप लोग linkworking.org की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वैकेंसी वेरियस मिलेंगी जहाँ पे आपको क्षेत्र रक्षक की पोस्टें मिलेंगी। बात करें इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में तो 10 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर 2021 तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। आपकी एज कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 साल की होनी चाहिए। अप्लीकेशन फीस के बारे में जानकारी आपको आगे linkworking.org की साइट पर मिल जाएगी। देन यहाँ पे टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की लिस्ट है, आप लोग क्लिक पे क्लिक करके जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रहेगा और यहाँ पे वैकेंसी डिटेल के बारे में बात करें तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है, आप लोग
भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे। यहीं पे हम बात करें वेतन के बारे में, तो आपको इनके रूल के हिसाब से ही पे किया जाएगा। एजुकेशन आपका 10th 12th होना चाहिए तो आप लोग एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। 2 दिसंबर 2021 आखिरी डेट है, इससे पहले आपको आवेदन कर देने हैं। अगर बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में, तो एग्ज़ाम फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर आप सभी का चयन किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और ऑफिशियल वेबसाइट चेकआउट करने का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, चूंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं ऑनलाइन फॉर्म भरने के बारे में आपको जानकारी नहीं दे पाऊँगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लिए 500 लाइक का टारगेट है, जितना जल्दी हो सके इस लाइक के टारगेट को कंप्लीट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको आगे आवेदन करने की वीडियो भी टाइमली मिल सके। तो जल्दी मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।